नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य इस वक्त तेजी से चल रहा है। मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और गर्भगृह का निर्माण भी अभी पूरा हो चुका है। इस बीच पता ये चला है कि रामलला अपने भव्य मंदिर के शानदार गर्भगृह में संगमरमर और सोने की प्लेट लगे 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने बताया कि ये सिंहासन राजस्थान के कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है, जो 15 दिसंबर तक अयोध्या पहुंच जाएगा। ये सिंहासन 8 फीट ऊंचा और करीब 4 फीट चौड़ा होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इस सदस्य जो अनिल मिश्रा हैं, उन्होंने बताया कि मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर 15 दिसंबर तक तैयार करना है, जबकि फर्स्ट फ्लोर का 80% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पहली मंजिल पर 17 खंभे लगाए जा चुके हैं और केवल 2 खंभे लगने बाकी हैं। पहली मंजिल की छत 15 दिसंबर तक तैयार होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि परिक्रमा मार्ग की फर्श का काम भी पूरा हो चुका है और गृह मंडप के फर्श पर संगमरमर बिछाने का काम अभी फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र की 3 मंजिलों की छतें बनाई जा चुकी हैं, जबकि मंदिर की बाहरी दीवार के मतलब परकोटा के प्रवेश द्वार का काम अंतिम चरण में है और नवंबर के अंत तक उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर के लिए भक्तों ने बड़ी मात्रा में सोने और चांदी की वस्तुएं दान में दी हैं। ऐसे में ट्रस्ट के मुताबिक भक्तों ने जिन सोने और चांदी की वस्तुओं को दान में दिया है, उन्हें पिघलाया जाएगा, क्योंकि उन्हें जमा करके रखना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने बताया कि पिघलाने का काम एक प्रतिष्ठित संस्था के मार्गदर्शन में ही किया जाएगा। हाल ही में ट्रस्ट की ने 100 क्विंटल चावल का भी ऑर्डर दिया था, जिसका इस्तेमाल 5 नवंबर को अक्षत पूजा में किया जाना है और फिर देश भर में भगवान श्री राम के भक्तों के बीच में इसे वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही 1 क्विंटल पिसी हुई हल्दी और देसी घी भी मंगवाया गया है, जिसे विधि विधान से चावल में मिलाया जाएगा। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने मंगलवार को बताया था कि सभी राज्यों से विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों को 5 नवंबर को अयोध्या बुलाया गया है। हर एक प्रतिनिधि को 5 किलो चावल दिए जाएंगे। वो अपने अपने मंदिरों में इसकी पूजा करके जिले के प्रतिनिधियों को उसको सौंप देंगे। फिर उसके बाद इसे ब्लॉक, तहसील और आखिर में गांव तक लोगों को भेजा जाएगा। तो ये थी रामलला के लिए बनाए जा रहे सुंदर सिंहासन और मंदिर निर्माण के ताज़ा अपडेट की जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।